प्रशासनिक महकमे में हुए बड़े फेरबदल, कई अधिकारियों के विभाग बदले। निगम आयुक्त राकेश सिंह बने सीईओ आईडीए, आईडीए सीईओ दीपक सिंह को इंदौर अपर कलेक्टर की कमान, एकेवीएन एमडी मनीष सिंह को बनाया गया निगम आयुक्त, कुमार पुरुषोत्तम बने एकेवीएन एमडी। इंदौर के प्रशासनिक महकमे में शुक्रवार को कई अधिकारियों के विभाग बदले गए। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच आखिरकार नगर निगम और आईडीए में बदलाव जरूर हुए, लेकिन अधिकारियों को इंदौर से बाहर भेजने की बजाय इंदौर में ही कमान सौंप दी गई है। पिछले कई दिनों से विवादों में चल रहे नगर निगम आयुक्त राकेश सिंह को नगर निगम से हटाकर इंदौर विकास प्राधिकरण भेज दिया गया है। अब राकेश सिंह आईडीए सीईओ के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं एकेवीएन एमडी के रूप में लंबी पारी खेल चुके मनीष सिंह को अब निगम आयुक्त इंदौर की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जबकि उनकी जगह भोपाल विकास प्राधिकरण के सीईओ पुरुषोत्तम कुमार को एकेवीएन एमडी बनाया गया है। वहीं आईडीए सीईओ की कुर्सी संभाल रहे दीपक कुमार सिंह अब इंदौर अपर कलेक्टर के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से इंदौर के इंदौर में ही अधिकारियों की चहलकदमी हुई है, ये बात सबसे चौंकाने वाली जरूर रही है। बहरहाल अब इंदौर में ही अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे अधिकारी शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर कदम उठा पाते हैं कि नहीं, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़, इंदौर।